ग्रोथिंग और प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है, नाइट्रोजन की नीड होती है। एंड जो हमारे प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं, नीचे हमारे जो सॉइल है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मोस्टली कुछ बैक्टीरिया और कुछ अलगाए, ऐसे ब्लू अलगाए जो होते हैं, वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन उसको नाइट्रोजन को कंपाउंड में उसका बना करके उसको चेंज करके सॉइल में जो रूट्स प्रेजेंट रहती है उसकी प्लांट की उस तक पहुंचाते हैं। सो इट मीन्स बैक्टीरिया जो दूसरे अलगाए जो है, टू अलगाए जो है, इट मीन्स जो माइक्रोब्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को सॉइल में बढ़ा रहे हैं, सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो है उसको बढ़ा रहे हैं और इस तरह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए आप जैसे कि कुछ प्लांट होते हैं, ये प्लांट है कोई सा भी, प्लांट में जो रूट्स होती है, इन रूट्स में कुछ ऐसी नोडल्स होती है, नीचे ग्रेड में तिकोनी तिकोनी सी नोडल्स होती है। ये नोडल्स क्या करती है, ये जो सॉइल में, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट तक पहुंचाती है और इस तरह से प्लांट जो है वो क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन की जो नीड है उसको कंप्लीट करता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में चेंज करना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया और अलगाए जो है ये सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इस तरह कंप्लीट होता है एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप देखेंगे कि इसमें ये राइजोबियम बनाते हैं और राइजोबियम जो है वो क्या करता है, सबसे पहले आप देखिए लिग्युमिनस प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, यानी कि जो हमारी सॉइल है उस सॉइल में नाइट्रोजन की कंटिन्यूटी को, नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस उसको बनाए रखने के लिए उसमें अल्टरनेटली लिग्युमिनस प्लांट जो है वो क्या करे जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। क्यों ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि लिग्युमिनस प्लांट्स को ग्रो करने से सॉइल में राइजोबियम की क्वांटिटी जो है वो बढ़ने लगती है, सॉइल में राइजोबियम जो है वो बनने लगता है। और जब राइजोबियम उसमें बनने लगता है तो वो क्या करता है, राइजोबियम उनकी रूट्स में से जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलेट विनेगर। किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एल्कोहल और विनेगर की, विनेगर जो है वो उनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो देखिए इसका सिंपल सा एग्जांपल है, तो आप देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड विनेगर, एल्कोहल और विनेगर के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है। इट मीन्स एल्कोहल और विनेगर ये सब चीजें, बियर वगैरह हो गई, वाइन हो गई, इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनमें यीस्ट की प्रोसेसिंग करवाई जाती है और यीस्ट की हेल्प से क्या होता है, उनमें एल्कोहल और विनेगर, वाइन, बियर ये सब प्रोड्यूस होते हैं। तो कमर्शियल साइड में भी क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हो रहा है। देखिए जो कुछ फ्रूट जूसेस होते हैं, इसके अलावा हमारे कुछ जो अनाज है जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, इन सबको क्या कह सकते हैं, इन सब में हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं एल्कोहल से, इनमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस करके और इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एल्कोहल, वाइन, बियर इनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद
लार्ज स्केल पे उनमें यीस्ट को ग्रो करवाया जाता है और वो यीस्ट कई दिनों तक रखा रहता है, उसको ऐसे रहने दिया जाता है और धीरे 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 यीस्ट की प्रोसेसिंग जो है वो इंटरनली चलती रहती है और यीस्ट के जो सेल्स है वो धीरे धीरे फैलते जाते हैं और इस तरह से फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट होता है एंड देन एल्कोहल वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बेवरेजेस होते हैं, ये जो एल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती हैं, उनमें एसिडोबैक्टर होता है। एसिडोबैक्टर यूज किया जाता है हमारे प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। विनेगर के प्रोडक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एसिडोबैक्टर। एंड उसके बाद आप देखेंगे एसिडोबैक्टर हम विनेगर के प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। देन एस्परजिलस जो है वो हम साइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो ज्यादा तेज नहीं होती, तीखी नहीं होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, उन सॉफ्ट ड्रिंक्स को में बनाने के लिए हम एस्परजिलस जो है उसको यूज करते हैं। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं हमारा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या कर रहे हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहे हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फिक्सेशन की नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन की फिक्सेशन में क्या कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ अलग जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट करके एल्कोहल विनेगर वाइन बियर इनका प्रोडक्शन कर रहे हैं।